19,700 तक उन्होंने रीच हुआ है। और इसके अलावा जो है न्यूज भारती हमारा मीडिया पार्टनर बनेगा आज से, वो भी मीडिया पार्टनर रहते आज से, वो भी कवरेज लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। कल हमने लाइव टेलीकास्ट फेसबुक में भी किया, बाद में इसी तरह का यूट्यूब में भी किया था, ट्विटर में भी किया था। एक तरह का ये हमारा प्रयोग अच्छा चला है। केवल सबको एक सूचना देता हूँ, कल का प्रोग्राम में थोड़ा चेंज है। कल 15 तारीख का जो प्रोग्राम है वो कल रहेगा, माने कैडर बेस्ड मास ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक कल रखेंगे। माने दत्ता जी का सब्जेक्ट है परसों रहेगा, वो उनका फ्लाइट रीशेड्यूल हो गया है, इसके कारण वो लगभग 2 घंटे विलंब से उनका डेस्टिनेशन पहुंच रहा है, इसीलिए थोड़ा हमने इसको बदल दिया है। ये एक सूचना है, आज रात्रि सबको उसी सूचना हम करेंगे। आज का तीसरा दिन का ये सब्जेक्ट है, विशेष सब्जेक्ट है, खास करके फ्यूचर लेबर इकोनॉमिक्स और इसका बारे में हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशंस कैसे होगा, इस तरह का इसे विषय के बारे में हम एक भारत का एक प्रमुख अर्थशास्त्री को बुलाया है। मैंने भारतीय मजदूर आज का सत्र को श्रीमान सजय नारायण जी अध्यक्षता करेंगे और श्रीमान हमारे महामंत्री श्री ब्रजेश उपाध्याय जी इसको संचालन करेंगे। मैं अभी श्रीमान ब्रजेश उपाध्याय जी को अनुरोध करता हूँ कि आज का इसका विषय का भी एक बार परिचय करें और आज का जो वक्ता हमारे जो विशेष अतिथि मुख्य अतिथि श्रीमान अरुण मेहरा जी का भी संपूर्ण परिचय आपका सामने देने के लिए मैं अनुरोध करता हूँ। अभी श्रीमान ब्रजेश उपाध्याय स्पीकर। सभी बंधु भगिनी को मेरा नमस्कार। श्री अरुण मेहरा जी को मैं भारतीय मजदूर संघ के इस दत्तोपंत ठेंगड़ी जन्म शताब्दी वर्ष के एक व्याख्यान माला में मैं उनका स्वागत करता हूँ। भारतीय मजदूर संघ ने जो एक निश्चय किया था, या भारतीय मजदूर संघ की स्थापना जिन उद्देश्यों को लेकर के हुई थी, ये जो लेबर मूवमेंट है इसके डायमेंशन में, इसके डायरेक्शन में एक बदल आनी चाहिए, और उस बदल को लेकर के भारतीय मजदूर संघ की स्थापना 1955 में दत्तोपंत जी ने की। और उस समय से उनका मानना था कि जो प्रैक्टिस ट्रेड यूनियन मूवमेंट करता है, ये वास्तव में वर्कर वेलफेयर को लेकर के नहीं है, रादर ये वर्कर पॉलिटिक्स है। तो इसलिए विशुद्ध रूप से एक नॉन पॉलिटिकल ऐसा वर्कर वेलफेयर सेंटरिक लेबर मूवमेंट देश में चलनी चाहिए। और आज हमें ये बताते हुए बहुत खुशी है कि 55 में यानी बहुत बाद में भारतीय मजदूर संघ ने अपना काम प्रारंभ करने के बाद पिछले लगभग 22-23 सालों से देश के क्रमांक एक के संगठन के नाते हम हैं। इसका अभिप्राय कि जिस उद्देश्य को लेकर के भारतीय मजदूर संघ ने काम प्रारंभ किया था, एक नॉन पॉलिटिकल ट्रेड यूनियन लेबर मूवमेंट आए देश में, उसकी सर्व दूर मजदूरों के बीच में भी स्वीकार्यता बढ़ी है, और पॉलिटिकली बैक्ड या जो पॉलिटिकल पार्टीज के लेबर विंग के नाते काम कर रहे ट्रेड यूनियंस थे, आज वो बहुत दूर पहुंच गए। मैं आज अखबार में एक इंटरव्यू पढ़ रहा था सीताराम येचुरी जी का, लास्ट होप ऑफ लेफ्ट, ऐसा करके उनका एक इंटरव्यू छपा है। तो मैं उसके बाकी डायमेंशंस में नहीं जाता, मैं केवल ये बताने के लिए कि एक समय जहां ये महसूस किया जाता था कि लेबर मूवमेंट इज द सब्जेक्ट, कोर सब्जेक्ट ऑफ द लेफ्ट, ओनली दे नो कि व्हाट इज द लेबर, व्हाट आर देयर वेलफेयर, हाउ टू प्रोटेक्ट देम, आज अभी वो इस क्राइसिस में पहुंच गए हैं कि उनका एग्जिस्टेंस भी बचेगा कि नहीं। मैं उसके अलग अलग डायमेंशंस में नहीं जाता। तो इस थॉट, इस विचार को लेकर के जिस महापुरुष ने, दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने जिस संगठन का प्रारंभ किया, उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से उनको डिकोड करने का एक प्रयास हम लोग सब कर रहे हैं। उनका जो कहा हुआ है आज के कॉन्टेक्स्ट में उसको ठीक से समझना, और इसीलिए भी जो पिछला अपने इस एक सप्ताह तक चलने वाली ये सीरीज है, उनके अलग अलग विषयों पर उनका जो चिंतन था, इतना दूरगामी उन्होंने विचार किया था कि वर्षों पहले
आज जो लगभग स्थिति उत्पन्न हो रही उसके बारे में लगभग उनका स्पष्ट मार्गदर्शन जैसा था, तो हम सबको इस नाते से इस पृष्ठभूमि में अलग अलग विषयों पर हम सभी लोग जो अलग अलग एक्सपर्ट्स लोगों को सुन रहे हैं, हमने स्किल के बारे में सुना, कल जो लेबर लेजिस्लेशन है उसके बारे में सुना, आज संयोग से अपने को जिनका विषय पर प्रबोधन मिलेगा, लेक्चर सुनने को मिलेगा, श्रीमान अरुण मेहरा जी, उनके परिचय के नाते समझता हूँ कि विश्व विख्यात ऐसे विचारक, इस नाते से उनकी पूरी दुनिया में एक पहचान है। मैं समझता हूँ कि हम में से अलग अलग प्रसंग पर, अलग अलग विषयों पर हम सब ने उनके बारे में जरूर सुना होगा, किंतु एक औपचारिकता है, इसलिए अरुण मेहरा जी एक ऐसी पर्सनालिटी है जिन्होंने 20-25 साल तक लगभग उन्होंने टाटा में विभिन्न पोजीशंस पर काम किया है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में, मैनेजमेंट में, उनके डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में, बहुत सारे जगहों पर लगभग 89 तक उन्होंने वहां पर काम किया है, और बाद में ग्लोबल लेवल पर उन्होंने 10 सालों तक एक बार लगभग एक आर्थर डी लिटिल ऐसी एक कंपनी है, लीडर ऑफ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिस, ऐसा करके पूरी दुनिया के अलग अलग ऐसे जो अभ्यास चलते हैं उसको हेड किया, उसके नाते उन्होंने काम किया। जर्मनी है, यूरोप के बहुत सारे देश हैं, उनके डेवलपमेंटल प्रोसेस, इवन जो G20 कंट्रीज हैं उनके जो डेवलपमेंट प्लान्स बन रहे, योजनाएं बनती है, आप उसमें के जो बॉस्टन कंपनी है, कंसल्टिंग ग्रुप है, उसके चेयरमैन के नाते आपने काम किया, और बहुत जो तो हमारे प्लानिंग कमी में जो पिछला इसके नीति आयोग पहले साल तक आप प्लानिंग कमीशन के सदस्य रहे हैं, हिमाचल में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसके चांसलर के नाते भी आपके पास दायित्व रहा, बहुत सारी किताबें बहुत सारे विषयों पर लिखी, और मुझे पिछले लगभग 10 साल से मेहरा जी के संपर्क में काम करने का, इनके साथ सीखने का मौका मिला, और मैं पहली बार से लेकर जितनी बार भी उनको सुना, मैं भारतीय मजदूर संघ में भी पिछले लगभग 40 सालों से काम कर रहा हूँ, मैं जब जब भी मेहरा जी को सुनता था तो मैं दत्तोपंत जी के विचारों के कितने नजदीक इनका चिंतन चलता है, एकदम बैलेंस्ड, ना इधर बिजनेस के साथ, ना लेबर के साथ, नेशन को सेंटर में रखते हुए, ह्यूमन को सेंटर में रखते हुए, मैं पहले दिन से बहुत प्रभावित था, बहुत अच्छा लगता था कि कितना बैलेंस अप्रोच के साथ बात करते हैं, और अलग अलग विषयों पर हमने लगभग वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स पर सुन को सुना है, इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होनी चाहिए, आईआर कैसा होना चाहिए, ऐसे तो गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है कैसा होना चाहिए, टोटलिटी में जो सारा सिस्टम है उस पर गांधी जी के थॉट्स के एकदम अनुकूल, बहुत बार मैंने इनको बहुत सारे आर्टिकल्स में गांधी जी को कोट करते हुए देखा है, हमारे जो अपनी इकोनॉमिक फिलॉसफी है इंडियन एंशिएंट उसको कोट करते हुए देखा है, तो आई फाइंड हिम वेरी क्लोज टू आवर जो थॉट्स हैं, जो थॉट्स ऑफ ठेंगड़ी जी हैं जिनको लेकर के हम सब प्रैक्टिस कर रहे थे, और इसीलिए जब ये जो सब्जेक्ट हम सब लोगों ने चुना जिस पर आज उनका लेक्चर हम सभी को सुनने को मिलेगा, तो इसलिए नहीं सेलेक्ट किया कि ही इज वेरी रिनोन्ड ऑथर स्कॉलर ऑफ दिस सब्जेक्ट, इसलिए चुना कि ही इज वेरी क्लोज टू द कंटेंट वी आर प्रैक्टिसिंग, वी आर थिंकिंग, हम सोचते हैं करते हैं, दत्तोपंत जी जिसके बारे में सोचते करते रहे उसके बहुत नजदीक इनका भी चिंतन, इसलिए हमको लगा कि जो दत्तोपंत जी का एक विजन था और आज वो जो लोग जो सोच रहे हैं, तो हम शायद हमारे आगे जो विषय में बढ़ रहे हैं, जो डिकोडिंग के नाते हम लोग सोच रहे हैं, तो हम बहुत कुछ आज के टर्मिनोलॉजी जो यूज हो रही है इकोनॉमी में, आईआर में, एचआर में, डेवलपमेंट को लेकर के, शायद जब दत्तोपंत जी बोले थे तो हो सकता है वो वर्ड वो टर्म प्रैक्टिस में ना रहे हों, पर स्पिरिट सेम रही है, इसलिए उस सारी स्पिरिट्स को आज की टर्मिनोलॉजी में उनसे हमको सुनने को मौका मिलेगा। तो मेरा जी, हमारा ये जो नेशनल एग्जीक्यूटिव है वो ऑडियंस है, सारे देश में हमारे जो एक्टिविस्ट हैं वो डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स पर यूट्यूब या फेसबुक के माध्यम से जुड़े हैं, तो बीएमएस का ये जो कोर एक्टिविस्ट ग्रुप है सारे देश में बड़ा,
वो कनेक्टेड है आपको सुनने के लिए, आपका मार्गदर्शन। और हम ये उम्मीद करते हैं कि निश्चित तौर पर आप जो विषय, जो मार्गदर्शन हम सभी को जो डिलीबरेट करेंगे, जो आपका स्पीच होगा, हम सभी के लिए बहुत यूजफुल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार भारतीय मजदूर संघ की ओर से फिर से आपका स्वागत करते हैं। आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार पधारे, इसलिए फिर से शायद हम फिजिकली मिल रहे होते तो आपको हम गारलैंड करते हैं, कुछ और करते हैं, लेकिन आप उसको उसी रूप में स्वीकार करें कि रियली वी आर वेलकमिंग यू बाई हार्ट, और आपका उद्बोधन सुनने को मिले, आपका परिचय, आपका जो थोड़ा सा कनेक्ट सबके साथ हो जाए, इसलिए मैंने 2 मिनट का समय लिया है। तो मैं निवेदन करूंगा कि आप अपना विषय रखें, आपका विषय आएगा, उसके बाद हमारे ऑडियंस में से, हमारी इसी ग्रुप में से लोगों के मन में जो कुछ प्रश्न होंगे वो आएंगे, आपके साथ चर्चा करेंगे। केवल एक सूचना दे देता हूँ सभी से रिक्वेस्ट है कि जहां जहां थोड़ा इंटरनेट वीक है वो सभी लोगों ने वीडियो ऑफ करके केवल ऑडियो सुने तो अच्छा रहेगा, कोई डिस्टर्बेंस ना होता है, बस इसीलिए आप 1-2-3 मिनट के बाद में आपने वीडियो ऑफ करे तो अच्छा रहेगा। मैं अभी माननीय अरुण मेहरा जी को उनका भाषण शुरू करने के लिए अनुरोध करता हूँ। बहुत धन्यवाद जी। ब्रजेश जी, आपको हम हर टाइम जब सुनते हैं, शुरू से 10 साल से, हमको लगता है कि शायद हम BMS के मेंबर ही हैं। आपके जो ख्याल हैं शायद वो सब आप BMS के आपके भाइयों मित्रों के भी वही ख्याल हैं। तो हम अभी भी सोच रहे हैं कि आप हमसे क्या सुन सकते हैं, शायद हम आपसे सीख सकते हैं, आप सबसे सीख सकते हैं। पर बहुत धन्यवाद साजी नारायण जी, सुरेंद्र जी, ब्रजेश उपाध्याय जी और BMS के सपोर्टर मित्रों, ऑफिस बेयरर्स, बहुत धन्यवाद को आप हमसे कुछ ख्याल सुनना चाहते हैं। तो आपने हमसे ये टॉपिक, हमको हाँ ये टॉपिक दी है फ्यूचर लेबर इकोनॉमिक्स। परंतु ये टॉपिक में जाने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे मन में ये 2-3 महीनों में क्या चल रहा है। हमको लग रहा था, लग रहा भी है अभी भी, कि हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी देश की इकोनॉमी बड़ी बस है, बड़ा देश है, इकोनॉमी बड़ी है, वो काफ़ी तेज़ चल रही थी। हम कहते रहते थे 20 साल से कि दुनिया की सबसे फास्ट बढ़ने वाली फ्री मार्केट इकोनॉमी हमारे देश की है। चाइना की इकोनॉमी हमसे ज़्यादा बढ़ रही थी और बढ़ रही है शायद अभी भी, परंतु वो हम कहते हैं फ्री मार्केट नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, फ्री मार्केट। हाँ, वो उधर से उनके वीक हो रहे हैं। हेलो, हमारी आवाज आ रही है आपको जी? वो नोकिया बंद कर दीजिए, नोकिया बंद हो गया, बंद हो गया सर, प्लीज सर कंटिन्यू। हाँ जी, थैंक यू। तो ये हमारी इकोनॉमी थी, इस इकोनॉमी के अंदर, ये बस के अंदर कोई लोग थे, काफी लोग थे जिनको काफी कंफर्ट थी। उनको जैसे हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ रही थी, ग्लोबलाइजेशन में जुड़ गई थी, उस बस के अंदर जो लोग थे उनको सेफ्टी बेल्ट थी, कंफर्टेबल सीट्स थी और काफी खाना पीना भी मिल रहा था बस के अंदर ही। जब ये कोविड से बस को झटका मिला और बस को रुकना पड़ा, हमारी इकोनॉमी को रुकना पड़ा और देश की सब इकोनॉमी को रुकना पड़ा, क्या हमने देखा कि बस के बाहर कितने लोग गिर गए? वो बस के अंदर नहीं थे, वो बस को पकड़ रहे थे, बस के साथ चलने की कोशिश कर रहे थे कि बस के साथ ही रहें, और बस के ऊपर बैठे थे धूप में, बारिश में, बस के अंदर नहीं थे परंतु बस के साथ चल रहे थे। ये लोग गिर गए इस वक्त पर, जैसे हमको नजर आए माइग्रेंट्स, और काफी जो लोग माइग्रेंट भी नहीं किए परंतु उनकी सब रोजगारी चली गई, पैसा नहीं था, कैसे वो अब परिवार को सब वो खाना पीना अच्छा दे सकें। तो ये हमने देखा कि हमारी इकोनॉमी इंक्लूसिव नहीं थी, जो हमारी इकोनॉमी की बस है थी उसमें जो लोग थे अंदर थे, जो इंक्लूडेड थे, वो काफ़ी
लोग थे, परंतु हमारे देश में शायद 2-3% लोग ऐसे होंगे, या आप कह सकते हैं 10% लोग जो बस के अंदर थे। बाकी लोग का हाल बहुत ही प्रकेरियस था, जो कहते हैं। हमने ब्रजेश जी से ये कहा है कि हम हिंदी तो काफ़ी बोलते हैं, पर जब कभी कभी ऐसे लफ्ज़ आते हैं जिसके लिए हम हिंदी का लफ्ज ना जाएं, हम इंग्लिश में ही कह देंगे प्रकेरियस। मतलब जो जैसे आप देखते हैं बॉम्बे की ट्रेन में, ट्रेन चल रही है, बाहर लोग अटक रहे हैं, ऊपर भी लोग बैठ जाते हैं क्योंकि अंदर नहीं उनके लिए जगह होती है। और इस ऐसी हमारी इकॉनमी चल रही थी। जो अंदर थे लोग, बस के अंदर थे लोग, वो क्या देख रहे थे? वो बाहर नहीं देख रहे थे, ना सुन रहे थे कि बाहर क्या हो रहा है लोगों को। वो देख रहे थे 1-2 मीटर थे बस के डैशबोर्ड के ऊपर, एक था GDP मीटर, और वो चाह रहे थे, ड्राइवर को कह रहे थे एक्सीलेटर दबाओ, GDP को बढ़ाओ, $1 trillion काफ़ी नहीं है, $2 trillion कर दो, अभी $5 trillion दबाओ एक्सीलेटर को, बस को चला रहे थे फास्ट। जो गवर्नमेंट है बस के एक्सीलेटर दबा के GDP बढ़ा रही थी। और एक और छोटा सा मीटर था साइड का, जो थोड़े लोग थे जो बस में, वो उसको देख रहे थे। उस मीटर में लग रहा था कि स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है, जैसे RPM मीटर होता है ना, ऊपर जाता है नीचे जाता है, आप चाहते हैं कि वो ठीक जगह पर रहे, वो उस मीटर को देख रहे थे। सिर्फ 2 ही मीटर थे, 1 GDP मीटर और थोड़े लोगों के लिए उसके साथ स्टॉक मार्केट मीटर, और सब लोग गिर गए। तो अभी कोविड के बाद जो इकॉनमी हम बनाएंगे, बनाना चाहते हैं और बनाएंगे, उस इकॉनमी में लोगों का ये हाल नहीं होना चाहिए। हमको बस के अंदर सब लोगों के लिए जगह होनी चाहिए, और बस लाने वालों को 2-3 और मीटर के ऊपर ख्याल रखना चाहिए। सिर्फ बस का साइज, मतलब GDP का साइज और GDP की स्पीड के ऊपर ध्यान सिर्फ नहीं, कितने लोग की जिंदगी के क्या असर हो रहा है जैसे इकॉनमी बढ़ रही है, इसके ऊपर भी ज़रूर ख्याल रखना पड़ेगा। परंतु ये इकॉनमी को, नई इकॉनमी बनाने में काफ़ी हमको तकलीफ होगी, क्योंकि अगर हम फंडामेंटल्स में, फंडामेंटल्स आप क्या कहेंगे, अगर उसके ऊपर साबिक बातों में सहमत ना हो, साबिक बातों में हम सहमत ना हो, तो हम बड़ी बातों में सहमत नहीं हो सकेंगे। अगर कोई लोग सोचें कि 2 और 2 से 3 बनता है, और लोग कहें कि 2 और 2 से 5 बनता है, पर ये फंडामेंटल उनका ख्याल है कि ऐसे ही होता है। जब आप कहेंगे कि 100 में कितने 2 हैं, तो जो कहते हैं 2 में 2 में 3 बनते हैं, वो कहेंगे अरे 66 2 हैं उसमें, और जो कहते हैं 2 से 5 बनते हैं, वो कहेंगे अरे 100 में तो 40 हैं, आपको मैथ्स आती नहीं है कि नहीं आती है, 40 होते हैं। तो जब हम बड़ी बातें इनको सोचते हैं, अगर हम फंडामेंटल्स में हमारी सहमति नहीं है, तो हम बड़ी बातों में अग्री नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए आज हम आपसे फंडामेंटल्स की बातें करना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स फंडामेंटल्स की, लेबर इकोनॉमिक्स फंडामेंटल्स की बातें। इनमें बिजनेस और इंसान का रिश्ता, इसकी बात करनी पड़ेगी। बिजनेस और इंसान का क्या रिश्ता है, इकॉनमी और सोसाइटी का क्या रिश्ता है, और उससे आप लोगों को अपना प्रोग्राम ऑफ एक्शन बनाना पड़ेगा कि आप दुनिया के आइडियाज़ कैसे बदलेंगे। हमारे देश के जो पॉलिसी मेकर हैं, हमारे देश के बिजनेस लोग हैं, हमारे देश के यूनियन लोग हैं, आप उनके आइडिया कैसे बदलेंगे, पहले अपने आइडिया कैसे बदलेंगे। शायद ये हम 3 बातें आपसे आज करना चाहते हैं, बिजनेस और इकोनॉमिक्स, इकॉनमी एंड सोसाइटी एंड इकोनॉमिक्स, और प्रोग्राम ऑफ एक्शन। बिजनेस में इंसान को सिर्फ कॉस्ट समझते हैं, खर्च, लेबर इज अ कॉस्ट, ये नहीं हम समझते हैं कि इंसान जो है बिजनेस में वो गुण है, वो हमारे एसेट्स हैं। और ये भी हम भूल जाते हैं कि इंसान ऐसा एसेट है जो
अपने आप को बढ़ाना चाहता है, जो सीख सकता है और सीखना चाहता है, वो अपने पांव पे खड़ा होना चाहता है, अपना सिर ऊपर रखना चाहता है, और सबसे वो यही चाहता है कि मुझको रिस्पेक्ट दियो। ये कॉस्ट नहीं है, ये सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नंबर नहीं है, ये इंसान है। परंतु बिजनेस मैनेजमेंट में ये सिर्फ कॉस्ट दिखते हैं। अगर बिजनेस ठीक नहीं चल रही है तो कॉस्ट कम करो, तो इंसान को निकाल दो। बिल्डिंग को निकालना तो बहुत ही दिक्कत है, सब चीज़ें बिल्डिंग में है। मशीन को बेचना घड़ी घड़ी नहीं हो सकता है, इंसान को निकाल दो, कॉस्ट को एडजस्ट कर दो। ये रिलेशनशिप है ज़्यादा ज़्यादा बिजनेस मैनेजर की अपने वर्कर के साथ। कॉस्ट गुण नहीं, खर्च गुण नहीं। जो बिल्डिंग है उनका दाम भी, उनका मूल्य भी घटता ही जाता है जैसे वो साल निकलते हैं, और मशीन का भी मूल्य घटता ही जाता है। इंसान का मूल्य घटता नहीं है, इंसान का मूल्य बढ़ सकता है, इंसान सीख सकता है, इंसान की स्किल बढ़ सकती है, इंसान की कैपेबिलिटी बढ़ सकती है। इंसान को हम कहते हैं बिजनेस का सिर्फ वही एसेट है, गुण है, जिसकी वैल्यू अप्रिशिएट हो सकती है। प्रधनी हो सकती है गुण, जो प्रधनी, जिनका वैल्यू बढ़ सकता है, मूल्य बढ़ सकता है, घटता नहीं है। ये फंडामेंटल बात है, ये फंडामेंटल बात है। जब हम प्लानिंग कमीशन में थे तो जैसे विजेश जी कह रहे हैं, तो हम देख रहे थे कि दोनों साइड से, कि बिजनेस की साइड से क्या बदलना है, और शायद जो लेबर मूवमेंट के चीफ्स हैं वगैरह, उनके मन में क्या बदलना चाहिए। परंतु पहले बात यह है कि बिजनेस को अपना मन बदलना पड़ेगा। तो हमने एक स्टडी कमीशन की, एक कंसल्टेंट कंपनी है जिसको बेन कंपनी कहते हैं, ये बड़ी मशहूर इंटरनेशनल कंपनी है। तो हमने उनको कहा कि आप तो बड़ी कैपिटलिस्ट्स को, बिजनेस को आप एडवाइस करते हैं, अगर आप बिजनेस को ये एडवाइस कर रहे हैं कि उनकी प्रॉफिट कैसी बढ़ती ही जाए सालों के सालों, दुनिया की में रिसेशन आती हैं, कभी कभी इकॉनमी बढ़ती है, जो भी हो बिजनेस की प्रॉफिट बढ़ती ही जाए, तो आप उनको क्या कहेंगे कि उनका रिश्ता अपने जो वर्कर्स हैं उसके साथ क्या रिश्ता होना चाहिए। अभी लोगों को यही ख्याल है कि जब बिजनेस डाउन हो रही है तो लोगों को निकाल दो, जब बिजनेस बढ़ेगी तो देखो 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 कहाँ से लोग हम ला सकते हैं, फिर आप कंप्लेंट करते हैं कि उनकी स्किल नहीं है, वो बिजनेस समझते नहीं है। परंतु आपने उनको बीच में ख्याल नहीं किया, आपने उन्हें निकाल दिया, तो वो स्किल उनकी कैसे बढ़ेगी। तो हमको लग रहा है, हमने बेन को कहा कि अगर जो बिजनेस वाले का एटीट्यूड अलग हो, वो सोचें कि ये हमारे साथ जो काम कर रहे हैं वो हमारे एसेट हैं, और जब भी डाउनटर्न हो तो हम इस एसेट में इन्वेस्ट करेंगे, हम इनकी स्किल बढ़ाएंगे, क्योंकि जब बिजनेस का टाइम आएगा बढ़ने को, हमारे पास इतने अच्छे और एसेट होंगे, लोग होंगे जिससे हमारी बिजनेस बढ़ेगी। तो उन्होंने स्टडी की देश में, हमारे देश में, और उन्होंने कंपेयर किया कंपनीज को, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में, कि जो कंपनी का एटीट्यूड, मैनेजर्स का एटीट्यूड ये था कि जो हमारे वर्कर्स हैं वो हमारे एसेट्स हैं, उनके बिजनेस कैसे चल रहा है 20 साल, एक साल दो साल की बात नहीं है, सस्टेनेबल ग्रोथ, 20 साल में उनके बिजनेस का क्या हाल रहा। और उसी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा बिजनेस तो ऐसी हैं जो अपना एम्प्लॉयज़ को कॉस्ट समझती हैं, तो उनका 20 साल में क्या ग्रोथ रही, तो वो हैरान हो गए। उन्होंने सब इन्वेस्टिगेट किया, सब कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट देखी, उनके मैनेजर्स को और ओनर्स को इंटरव्यू किया कि उनके मन में क्या ख्याल है। उन्होंने कहा, अरे जिन, जो भी थोड़े से ही थे, जिन एम्प्लॉयज़ का ख्याल यही था कि हमारे एम्प्लॉयज़ हमारे एसेट्स हैं, हम उनमें इन्वेस्ट करते ही जाएंगे, उनकी बिजनेस सस्टेनेबली बढ़ती जाती है, उनके प्रॉफिट का भी कम तो होते हैं क्योंकि बाहर इकॉनमी खराब होगी, पर जल्दी वो ऊपर आ जाती है फिर उसके बाद। तो ये स्टडी से
हमने सब बिजनेसेस को बताया कि देखो ये फैक्ट्स हैं, ये आप देखिए कि अगर आप अपनी स्ट्रेटजी बदलें, अपना रिश्ता एम्प्लॉयज के साथ बदलें, आपका बिजनेस का बहुत फायदा होगा। परंतु हम कह रहे हैं ये तो 10 साल की बात हो गई है, अभी तक ये नहीं बढ़ा है एटीट्यूड। और हम सुन रहे हैं विजेश जी से, सजी नारायण जी आपसे, कि आप जब ये कोविड टाइम में बहुत सेमिनार में आप जा रहे हैं, बिजनेस लोगों से बात कर रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं, तो कभी कभी आपको लगता है कि ये बिजनेस लोग का मन बिल्कुल नहीं बदला है, ना बदलेगा, और क्या फायदा है इनसे बात करने का। हम कह रहे हैं कि बिजनेस लोगों को भी ये एजुकेट करना पड़ेगा कि अच्छी बिजनेस वो कैसे चला सकते हैं, और अच्छी बिजनेस वो तभी चलाएंगे जब वो उनका रिश्ता अपने एम्प्लॉयज के साथ ऐसा होगा जैसे हम कह रहे हैं कि ये तो हमारे गुण हैं, और ये गुण है जिनकी बदनी भी हो सकती है अगर हम उनके साथ बढ़ें चलें और उनमें इन्वेस्ट करें। तो अभी राजीव दुबे जी जो हमारे ये थोड़े ग्रुप में थे, राजेश भाई आपके साथ, तो अभी वो आईएलओ में हैं, इंडिया के एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव। तो हमने उनसे बात की कि देखो हमने वो स्टडी की थी पर लोग भूल गए हैं, शायद टाइम आ गया है एक और बड़ी स्टडी करने का, ये इंडिया में भी, कि कैसे किस्म के एम्प्लॉयर्स हैं और किन एम्प्लॉयर की बिजनेस बढ़ती जाती है। तो उन आईएलओ ने उनसे बात की है, तो उन्होंने हमें अभी बताया ये कुछ बात कि आईएलओ ने कहा हाँ ये, क्योंकि उनका धंधा ही तो यही है, तो हम ये स्टडी अभी इंडिया में जल्दी करेंगे और सबके सामने ये फैक्ट्स रखेंगे कि बिजनेस का एटीट्यूड अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कैसा होना चाहिए। अगर ये टाइम में, जैसे दुनिया में बहुत चीज़ें बदलेंगी, इकोनॉमी बहुत बदलेगी, उस टाइम में, उस हाल में अपने एम्प्लॉयज़ का उनके साथ क्या रिश्ता होना चाहिए, तो देखते हैं क्या होगा। अभी इकोनॉमिक्स में दो और बड़ी बड़ी बातें होती हैं, परंतु उसमें जाने से पहले हम ये कहना चाहेंगे कि प्रोडक्टिविटी और कंपटीशन में, प्रोडक्टिविटी और कॉम्पिटिटिवनेस में क्या क्या ख्याल रहते हैं, क्या क्या ख्याल रहते हैं। ये एक प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता कैसे होती है, कैसे हम उसका मेजर करते हैं, एक अनुपात होता है कि थोड़ी चीज से ज़्यादा चीज़ें कैसे निकल सकती हैं, मतलब अगर दो आदमी हैं वो कितना बना सकते हैं, या दो औरत हैं वो कितना बना सकती हैं, ये एफर्ट जो लोग का है उससे कितना माल बन सकता है। तो प्रोडक्टिविटी यही फॉर्मूला रहता है इकोनॉमिक्स में कि पर यूनिट ऑफ लेबर, पर यूनिट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स कितना प्रोडक्ट हो सकता है, कितनी जीडीपी हो सकती है। और ये ख्याल बिजनेस में भी आता है कि अगर बिजनेस अपनी प्रोडक्टिविटी मेजर करे तो देखते हैं पर वर्कर हमारी आउटपुट उत्पादन कितनी है, आउटपुट उत्पादन कितनी चीज़ें बनी हैं, उनका कितना दाम है वगैरह, पर यूनिट ऑफ वर्कर। दुनिया की या देश की इकोनॉमिक्स में ये ख्याल रखना पड़ेगा शायद की देश को कि अगर हमारे देश में सिर्फ 1 करोड़ लोग हैं और हमने ज़्यादा आउटपुट बढ़ानी है बाहर बेचने के लिए वगैरह, तो अगर हमारे लोग सिर्फ 1 करोड़ हैं तो हमको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी मशीनों में, कैपिटल इक्विपमेंट में, कि ये जो 1 करोड़ हमारे वासी हैं इनसे ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे हो। परंतु अगर देश में, जैसे हमारे देश में है, कितने लोग हैं, 1.2 बिलियन लोग जो हैं, इतने लोग हैं, तो हमको कैपिटल इन्वेस्टमेंट की इतनी ज़रूरत क्या है जब हमारे लोग जो अनएम्प्लॉयड हैं, पूरी एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो अगर हमने प्रोडक्शन बढ़ानी है तो पहले लोग की हिम्मत से, लोग के लेबर से हमको फ़ायदा लेना चाहिए, तो फायदा लेना चाहिए। हम कैपिटल सरप्लस देश नहीं है, हम तो लेबर सरप्लस देश हैं। तो हमारी स्ट्रेटजी, कॉम्पिटिटिवनेस की स्ट्रेटजी लेबर यूज से
बननी चाहिए। अगर हमारे देश में तेल हो जमीन के नीचे जैसे सऊदी अरेबिया में, कुवैत में, तो हमारी देश की कॉम्पिटिटिवनेस स्ट्रेटजी ये होनी है चाहिए जैसे उनकी है कि जो तेल से चीज़ें बनती हैं, रिफाइनरीज, केमिकल्स, हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे और हम अपने तेल से कन्वर्ट करेंगे, थोड़ा वैल्यू ऐड करेंगे और बेचेंगे। अगर जैसे हमारे देश में तेल नहीं है ज़मीन के अंदर पर हमारे पास लोग इतने हैं, तो हमारी टेक्नोलॉजी क्या होनी चाहिए? हमारी टेक्नोलॉजी वो होनी चाहिए जो लोग की मेहनत से प्रोडक्ट बनाए। तो इसलिए हमको ख्याल हमारे बदलने पड़ेंगे कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्या होती है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी वही होती है जो उस टाइम पे जब लोगों की प्रोडक्टिविटी, जब लोगों की इनकम बढ़ानी है तो क्या टेक्नोलॉजी उस टाइम इस्तेमाल करनी चाहिए। और हमारे देश में जब ये हाल है कि हमारे पास कैपिटल इतना नहीं है परंतु हमारे पास लोग बहुत हैं, तो हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी वही होनी पड़ेगी, होनी चाहिए, जिससे हमारी लोगों की एफर्ट से प्रोडक्शन बढ़े और उनकी इनकम भी साथ साथ बढ़ती जाए। ये इकोनॉमिक्स में ये लोग नहीं देखते हैं, क्योंकि वही कहते हैं पर पर्सन देश की आउटपुट कितनी है। पर पर्सन इंडिया की 1.2 बिलियन जैसे हमने कहा लोग हैं और उसकी जीडीपी ये है। अरे अरे, इंडिया की प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। हाँ, इंडिया की लेबर प्रोडक्टिविटी शायद कम है पर देश की प्रोडक्टिविटी बहुत है, हो सकती है। तो ये ख्याल हमको बदलने पड़ेंगे, प्रोडक्टिविटी को कैसे समझना चाहिए और बिजनेस को भी। जो हमारे बिजनेस वाले हैं, ये प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमिक्स कहाँ से सीखते हैं, टेक्नोलॉजी कहाँ से सीखते हैं? बाहर से। वहाँ अगर आपने अच्छी बिजनेस चलानी है तो आपको कम लोग बिजनेस में रखने चाहिए, क्योंकि कम लोग से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। वो प्रोडक्टिविटी जिसका मतलब ये है कि पर पर्सन कितनी आपकी बिजनेस की आउटपुट हो। परंतु अगर प्रोडक्टिविटी आप ऐसे समझें कि पर यूनिट ऑफ कैपिटल आपकी कितनी आउटपुट बढ़ी है, जो ख्याल प्रोडक्टिविटी का हमारा होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास कैपिटल कम है तो हम कैपिटल से हमको ज़्यादा प्रोडक्शन बनानी चाहिए। और उसके लिए अगर हम साथ साथ लेबर को जोड़ें और वही लेबर जो मशीन की परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सके, वही लेबर जो मटेरियल का ख्याल कर सके, और इसलिए वैसे वो पूरी कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके और कंपनी की कैपिटल की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके, तो हमारी कंपनीज भी दुनिया में बहुत कॉम्पिटिटिव हो सकती हैं और हमारा देश भी दुनिया में बहुत कॉम्पिटिटिव हो सकता है। पर ये फंडामेंटल बात है, ये हमको बदलनी पड़ेगी। कॉम्पिटिटिवनेस कहाँ से आती है, मतलब अंतर देशों में मुकाबला हम कैसे कर सकते हैं और हम इंसान का फ़ायदा कैसे ले सकते हैं, इंसान का फ़ायदा कैसे ले सकते हैं, जिसके लिए हमको एम्प्लॉयर को हमारी इंसानियत को आगे रखना पड़ेगा और ये अपनी मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स को थोड़ा पीछे रखना पड़ेगा, मॉडर्न मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स को पीछे रखना पड़ेगा। और जैसे देश की पॉलिसीज़ को, देश की पॉलिसीज़ को, इन्वेस्टमेंट को हम इंसेंटिव दे रहे हैं कि जो इनसे इन्वेस्टमेंट करता है कैपिटल का, उससे हम टैक्स नहीं लेंगे। परंतु उल्टी बात है, हम ये कहना चाहिए लोगों को आप अपना कैपिटल ये लाएं और अगर हम हमारे देश के लोगों को स्किल करें और उनको आप इम्प्लॉय करें तो तब हम आपसे टैक्स नहीं करेंगे। क्योंकि हमको आपका टैक्स इसलिए चाहिए कि हम अपने लोगों के लिए एजुकेशन और स्किलिंग, गवर्नमेंट को ये प्रोग्राम चलाने हैं, क्योंकि आप तो नहीं कर रहे हैं ना, आप इम्प्लॉयर, हमको करने पड़ेंगे। तो अगर आप हमारे देश में आके हमारा मार्केट जो बढ़ेगा उसका फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, अगर आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। परंतु अगर आप हमारे लोगों को इम्प्लॉय कर रहे हैं, स्किल कर रहे हैं और हजारे लोगों को एक छोटी फैक्ट्री में लगा रहे हैं तो शायद आपको टैक्स इंसेंटिव मिलेगा। तो ये ख्याल बिल्कुल उलटने हैं पॉलिसी मेकिंग में देश के फायदे के लिए। सजी नारायण जी, हमने आपको एक सेमिनार में सुना और हमारे दिल को कुछ लगा। तो आप कह रहे थे कि ये मार्केट, लेबर मार्केट, ये आप कह रहे थे कि ये
एक्सप्रेशन ऐसा नहीं, कभी नहीं होना चाहिए। मार्केट्स क्या होती हैं? मार्केट्स होती हैं वो जगह जहां चीज़ें बेचती हैं, लोग बेचने आते हैं, लोग लेने आते हैं, ये मार्केट होती है। स्टॉक मार्केट में भी यही है, आप जाते हैं ये हमारे गुड़गांव मार्केट में या दिल्ली के मार्केट में, लोग बेचते हैं, लोग चीज़ें लेते हैं। इंसान को मार्केट में नहीं बेच सकते हैं, वो तो स्लेव मार्केट्स होती थी ना। तो अगर हम ये कहते हैं लेबर मार्केट्स, मतलब क्या है? अब लेबर को बेच रहे हैं और ले रहे हैं, लेबर का दाम इससे मालूम होता है कि कितने लोग लेना चाहते हैं, कितने लोग बेचना चाहते हैं। इंसान एक माल नहीं है, इंसान इंसान है। और ये एक्सप्रेशन जो आप सजीद नारायण जी ने बिल्कुल ठीक कहा, ये लेबर मार्केट हमको एक्सप्रेशन ही बंद करना चाहिए। लेबर एंड मार्केट्स डोंट गो टुगेदर। मार्केट इकोनॉमी क्या होती है? मार्केट इकोनॉमी है वो जहाँ सब चीज़ का पैसा होता है, सब चीज़ का पैसे में दाम होता है, और उससे मार्केट इकोनॉमी चलती है। क्योंकि अगर बहुत लोगों को कुछ चीज़ लेनी है तो उसका कोई दाम होना चाहिए, और दाम उस करेंसी में होना चाहिए जो सब समझते हैं, जो सबके पास है, जो पैसा हम कहते हैं। तो इसलिए मार्केट इकोनॉमी इकोनॉमिस्ट को समझ नहीं सकते ना चला सकते हैं अगर सब चीज़ों का पैसे में दाम ना हो। परंतु हम कह रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग्स का पैसों में दाम नहीं होना चाहिए, कोई और करेंसी होनी चाहिए ह्यूमन बीइंग्स के वैल्यू के लिए। कम्युनिटी में, फैमिली में हम एक दूसरों को कैसे वैल्यू करते हैं? पैसे के दाम से नहीं, अपनी कंपैशन से, केयर से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से। ये भी करेंसी हैं, परंतु ये सोसाइटी की करेंसी है, ये मार्केट की करेंसी नहीं है। तो टाइम ये आ गया है कि हमको अपनी सोसाइटी को, अपने देश को एक सोसाइटी समझना चाहिए, सिर्फ इकोनॉमी नहीं। और ये टाइम जब कोविड का टाइम हमने देखा कि जब जो लोग गिर गए थे बस से, जो बस के ऊपर चलने की कोशिश कर रहे थे, उसके साथ पकड़ के आगे जाने की कोशिश कर रहे थे, ऊपर बैठे थे, ये सब लोग इनफॉर्मल इकोनॉमी में थे। अंदर बस के अंदर जो लोग थे वो फॉर्मल इकोनॉमी थे, वो बड़े थोड़े लोग थे। बाकी लोग शायद पता नहीं 90% लोग हमारे देश में या उससे ज़्यादा सब ये इनफॉर्मल इकोनॉमी में हैं। परंतु हमारे इकोनॉमिस्ट हमको कहते जाते हैं कि हमारे देश का ये नुकसान हो रहा है कि ये सब लोग इनफॉर्मल इकोनॉमी में क्यों हैं, इनको हम फॉर्मल इकोनॉमी में लाएंगे। परंतु हम फॉर्मल इकोनॉमी को क्या समझते हैं और हम इनफॉर्मल इकोनॉमी को समझते हैं कि नहीं समझते हैं? हमारा जो देखने का तरीका है फॉर्मल इकोनॉमी में, वो सब चीज़ों को नंबर से देखते हैं। अगर हम जो बाहर हो रही है चीज़ जो इनफॉर्मल है, अगर हम उसको गिन नहीं सकते हैं, उसको आइडेंटिटी देखकर गिन नहीं सकते हैं, तो हम उसका इक्वेशन नहीं बना सकते हैं, हम उनका उसको समझ नहीं सकते हैं। तो हम मार्केट इकोनॉमी में, अभी तो पैसा को डिजिटाइज कहते हैं, क्या अंक बन गए हैं, डिजिटाइजेशन होगी पैसों को भी, और सोसाइटी में भी ये आधार कार्ड सबको नंबर देकर हम सोसाइटी को भी, सब इंसानों को भी अंक बना रहे हैं, सब इनके अंक हैं, हम गिन सकते हैं उनको, और फिर हम इक्वेशन कर सकते हैं कितने ये हैं कितने वो हैं, जैसे माल हैं। हम भूल जाते हैं कि इंसान अंक नहीं है, नंबर नहीं है, इंसान इंसान है। तो गवर्नेंस के लिए हमको आपके काफ़ी ख्याल बदलने पड़ेंगे। शासन कैसे होता है? सिर्फ इकोनॉमी का शासन नहीं, हमको अपने समाज का शासन भी करना है, और समाज के शासन के लिए हमारे जो ख्याल हैं, हमारे जो साइंस हैं, वो इकोनॉमिक्स की साइंस से नहीं हो सकता सिर्फ। ये जब सोवियत यूनियन 1990 में टूट गया, बर्लिन वॉल जब गिर गई, उसके बाद सबने कहा कि अब हिस्ट्री
सब मतलब ये वेस्ट में कब हिस्ट्री तो खत्म होगी, इतिहास खत्म हो गया, क्योंकि जो हमारी ऑपोजिशन थी फ्री मार्केट्स आइडियोलॉजी की, और जैसे वो कह रहे थे कि डेमोक्रेसी की आइडियोलॉजी को, उसकी जो ऑपोजिशन थी वो सिर्फ ये चाइना रशिया सोवियत यूनियन से आ रहा था, जो डेमोक्रेसी नहीं है ना फ्री मार्केट्स हैं। और चलो अब हिस्ट्री खत्म होगी क्योंकि हमारा ऑपोजिशन बिल्कुल खत्म हो गया है, परंतु आप क्या देख रहे हैं हम कि ये जो विक्टर थे जिस साइड की जीत होगी उनके अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गई है कि जो लोग कैपिटल से काम करते हैं वो भूल गए थे कि काफ़ी अमेरिका में भी या यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड में भी लोग हैं जिनके पास इतना कैपिटल नहीं है, वो काम करने वाले लोग हैं और उनका हाल खराब हो रहा था। इनइक्वालिटी बहुत बढ़ रही थी और थॉमस पिकेटी जो मशहूर फ्रांस के इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने बड़ी बड़ी किताब लिखी इनइक्वालिटी के ऊपर और दिखाया कि ये पिछले 30 सालों में इनइक्वालिटी बहुत बढ़ गई है दुनिया में। इस टाइम में जब ये दूसरे जो ऑपोजिशनल ख्याल थे कैपिटलिज्म को अपोज कर रहे थे वो क्या वो जैसे कैपिटलिस्ट सोच रहे थे वो हार गए थे, परंतु अपने देशों में वर्कर्स की आवाज़ें आ रही हैं, ये जो लोग बस के बाहर थे उनकी आवाज़ें अब अंदर बस के अंदर आ रही हैं कि देखो वो खिड़कियों के ऊपर खड़क रहे हैं कि आप हमको भूल गए थे और अब हम आपको आपकी पॉलिटिक्स हम बदलेंगे। ये अमेरिका में हो रहा है, यूके में भी हो रहा है, इटली में हो रहा था, होएगा, और हमारे देश में भी ये आवाज़ें अंदर आ रही हैं कि जो पॉलिसी का फ्रेमवर्क हमारे देश को चला रहा था उस पॉलिसी फ्रेमवर्क को से हमारे वर्कर्स को और जिन लोगों के पास वर्क भी नहीं था उनका फ़ायदा नहीं हो रहा था। जो बस के अंदर लोग थे उनकी वेल्थ बहुत बढ़ रही थी और जो बाहर थे उनके पास वेल्थ आ ही नहीं रही थी और उनकी इनकम भी बहुत खतरे में थी। तो कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी के दोनों में आप झगड़ा हो रहा है। डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी कहती है कि जिस सी पे के पास है, औरत हो या आदमी हो, जिसका दिल जिसमें दिल है उसकी एक वोट होती है गवर्नेंस में शासन में। पर कैपिटलिज्म जैसे बिजनेस चलती है उसमें क्या होता है, जिसकी शेयर्स जिसकी 1000 शेयर्स हैं उसकी 1000 वोट हैं कंपनी कैसे चलेगी, जिसकी एक शेयर है उसकी सिर्फ एक ही वोट होगी। ये कैपिटलिस्ट प्रिंसिपल है ठीक गवर्नेंस का, गुड गवर्नेंस कॉरपोरेट गवर्नेंस का यही प्रिंसिपल है कि इक्वल राइट्स फॉर इन्वेस्टर्स अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट। डेमोक्रेसी में क्या है, इक्वल राइट्स टू एवरीबॉडी, अगर आपकी कोई इनकम भी नहीं है आपकी उतनी हक है जैसे शायद मुकेश अंबानी जी की है, जिनकी इनकम दुनिया में शायद 10 जगह लोग हैं जिनकी इनकम वैसी हो, परंतु हमारे शासन में दोनों की वोट एक ही होनी चाहिए जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में है। पर हम ये कह रहे हैं पॉलिसी मेकिंग में ऐसी डिसीशन नहीं लेनी ले रही हैं ले जा रही हैं। जो लोग जिनके पास पैसा नहीं है उनकी आवाज़ सुनी नहीं जा रही है, जिनके पास पैसा ज़्यादा है उनकी आवाज़ सुनी जा रही है, और इसलिए हम कह रहे हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मीन जिसके पास पैसा है जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए हम कैसे हमारा देश को बदल सकते हैं कि उनके लिए फ़ायदा हो, हमारी पॉलिसी हम कैसे बदल सकते हैं। पर हमको ये सोचना चाहिए कि जो देश में लोग रह रहे हैं उनकी ईज ऑफ लिविंग कैसे हो सकती है। ईज ऑफ बिजनेस नहीं, ईज ऑफ लिविंग के ऊपर हमारा ध्यान होना चाहिए, और ईज ऑफ लिविंग हम उनसे सुन सकते हैं कि उनकी डिफ़िकल्टीज क्या हैं जो जैसे हम कह रहे हैं बस के बाहर हैं, बस के अंदर हमारे साथ पॉलिसी मेकिंग बस में नहीं है। हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है बस में वो GDP का इंस्ट्रूमेंट नहीं होना चाहिए, वो इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए ग्रॉस ह्यूमन वेलबींग, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं, ग्रॉस ह्यूमन वेलबींग। वेलबींग का मतलब क्या है ये हम किससे समझ सकते हैं, मुझसे नहीं, मेरे पास काफ़ी है, पर जो लोग जिनके पास
घर नहीं है, काम नहीं है, उनसे हम सुनना चाहिए कि उनके लिए वेलबींग का मतलब क्या है, और फिर वो जो कहते हैं वो हमारे बस के इंस्ट्रूमेंट पैनल में होना चाहिए, और जो ड्राइवर हैं हमारे गवर्नमेंट के और जो साथ साथ उनके एडवाइजर्स हैं और जिनमें आप भी हैं हो सकते हैं, आपको भी ड्राइवर को ये कहना चाहिए कि उस इंस्ट्रूमेंट को आप देखते जाइए, नहीं तो जब बस आगे बढ़ेगी हम भूलते जाते हैं कि बस के बाहर लोग उनका क्या हाल है। तो भाइयों, एक मूवमेंट की ज़रूरत है, आंदोलन की ज़रूरत है, बड़े बड़े आइडियाज़ बदलने हैं जो पॉलिसी मेकिंग में आ रहे हैं, इकोनॉमिक्स की तरफ से आ रहे हैं, पॉलिसी मेकिंग में हैं और बिजनेस की तरफ से भी आ रहे हैं, पर सब बिजनेस लोग ऐसे नहीं सोचते हैं। और ब्रजेश जी, थैंक यू फॉर ये कहने के लिए कि काफ़ी लोग हैं जो ऐसे नहीं सोच रहे, परंतु वो लोग भी अभी कह रहे हैं, जैसे राजीव दुबे जी ने कहा कि जो और बिजनेस लोग हैं हमने उनके ख्याल बदलने हैं, कि सब बिजनेस के ख्याल बदलने हैं, और ये हमारी भी जिम्मेवारी है बिजनेस वालों की, अपने जो बिजनेस के भाइयों हैं उनके ख्याल बदलने हैं, एक इंसानियत की बात है और दूसरी अच्छी बिजनेस चलाने की बात भी है कि आप ये देखिए कि जो आपके लोग जो उसके साथ काम कर रहे हैं आपकी पूरी एंटरप्राइज में, या कॉन्ट्रैक्ट लेबर में हो या परमानेंट एम्प्लॉई हो, उनका ख्याल आपको करना है, वो हमारे आपके गुण हैं, वो आपके एसेट्स हैं। पर इस मूवमेंट में ये कोविड का ट्रबल आया तो रिलीफ की बहुत ज़रूरत थी, रिलीफ की बहुत ज़रूरत होनी चाहिए कि जिनको अभी अभी खाना नहीं है, इनकम नहीं है, जल्दी जल्दी हमको उसको उनको कुछ देना चाहिए, पर हमको अभी यही ज़्यादा सोचना चाहिए कि इतने लोगों को रिलीफ क्यों चाहिए थी, ये हमारी इकोनॉमी और हमारी समाज की क्या हाल थी, क्या कंडीशन थी कि इस झटके से हमको मालूम हुआ कि इतने लोगों इतने वल्नरेबल हैं कि इतनी रिलीफ इनको देनी पड़ी। हमारी इकॉनमी ऐसे, सोसाइटी ऐसे चलनी चाहिए कि लोग उसके अंदर हों, बस के अंदर, और रिलीफ ना चाहिए हो, छोटे छोटे झटकों से उनको रिलीफ नहीं चाहिए हो। और आप याद करेंगे सचिन रायन जी, जब आप हमारे साथ एक सेमिनार में थे तो कोल इंडिया के जो रिटायर्ड चेयरमैन हैं उन्होंने कहा कि, और उन्होंने कहा उनको दिल को दुख हो रहा है कि कोविड के टाइम में जो कोल इंडिया के एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने वॉलंटरी अपने सैलरियों से, क्योंकि सैलरी काफ़ी अच्छी है, अपने सैलरियों से एक महीने में कितने करोड़ इकट्ठे किए और फिर कंपनी ने वो मैच किया, दुगना कर दिया और उनसे रिलीफ दी। तो खुशी की बात है कि वर्कर्स ने इतना पैसा इकट्ठा किया, परंतु वो कह रहे थे ये कि ये हम देख रहे थे कि जो अंदर के वर्कर्स हैं, जो हम कह रहे हैं बस के अंदर के वर्कर्स, जो ये पब्लिक सेक्टर के वर्कर्स हैं, उनके पास इतना पैसा था कि इस जब ये तकलीफ हुई तो अपने पैसे से जो बाहर के लोग थे वो भी वर्कर्स थे, वो उनको पैसा रिलीफ दे सकते थे। तो ये वो हमको ये कह रहे थे कि हमको देखना होगा कि पूरा हाल, सबका हाल कैसे बदलेंगे, सिर्फ जो हमारे अपने कंपनी के वर्कर हैं सिर्फ उनका नहीं। तो ये बात हमको अभी आ रही है कि अगर आप यूनियन के लोग चाहते हैं कि आप ये आइडियोलॉजीज जो हैं, बिजनेस की आइडियोलॉजीज या इकोनॉमिक्स की आइडियोलॉजी है, आप उनको बदलना चाहते हैं तो आपको एक आंदोलन के लीडरशिप में आना पड़ेगा, सिर्फ अपने यूनियन के लीडरशिप में नहीं। और ये आंदोलन में बहुत लोग आपके साथ हैं, जो किन लोगों की बात कर रहे थे, किन लोगों के लिए वो उनका संगठन था, वो कह रहे थे यही जो इनफॉर्मल सेक्टर के लोग हैं, जो बाहर लोग हैं जिनकी एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है, जो लोग हैं जो जिनकी सिर्फ ये कार्ड चला रहे हैं जिस पे वो फल सब्जी बेच रहे हैं, उनका ख्याल भी होना चाहिए। ये बहुत बहुत मूवमेंट्स हैं, बहुत ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये कंट्री में, देश में। ये हम कह रहे हैं ये सब इंसानियत की यूनियन है, ये सब वर्कर्स और छोटे छोटे एंटरप्राइजेस की यूनियन है, होनी चाहिए, और आपको उस मूवमेंट के लीडरशिप में आना चाहिए, सिर्फ अपने ओन मेंबर्स के साथ नहीं, क्योंकि
अगर आप सिर्फ अपने मेंबर्स की देखेंगे तो जो बाहर है ज्यादा लोग हैं वो कहेंगे तो आप अपना ही सोच रहे हैं, आप सबका नहीं सोच रहे हैं। और यही तो दत्तापंत थंगड़ी जी ने कहा था, जिसकी जन्म शताब्दी हम अब सेलिब्रेट कर रहे हैं, यही उन्होंने कहा था ना। और विजेश जी आपने उनको अभी याद कराया पहले कि सब सिटीजन्स का सोचिए, और सब जो अनंतोदिया का जो उनका ख्याल था, जिनके पास कुछ ही नहीं है पहले उनका सोचिए, ये इनका नहीं सोचिए पहले जिनके पास अभी है कुछ है और हम चाहते हैं उनके पास ज़्यादा होना चाहिए। जैसे जिनके पास एम्प्लॉयमेंट है, शायद प्राइवेट सेक्टर की कंपनी में है या पब्लिक सेक्टर की कंपनी में, उनके पास अच्छा एम्प्लॉयमेंट है। यूनियन का रिश्ता हम समझते हैं एम्प्लॉयर्स का साथ होता है, और आपको ये फ़र्क नहीं होना चाहिए कि एम्प्लॉयर गवर्नमेंट है या सेठ है, वर्कर्स की क्या राइट है। और हम ये भी कह रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं, क्या ऐसे वर्कर्स हमारे देश में हैं ज़्यादा ही हैं जिनका ऐसे फॉर्मल एम्प्लॉयर भी नहीं है, उनको क्या क्या हाल है, उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए क्या चाहिए, उनको ईज ऑफ लिविंग के लिए क्या चाहिए। अगर आप इस ख्याल से आगे चलें बढ़ें और सबको नज़र भी आए कि आप इस ख्याल से आगे चल रहे हैं, आपके साथ बहुत लोग होंगे, बहुत लोग होंगे। तो आप हमको माफ़ करिए कि अगर हम आप जो देश दुनिया के सबसे बड़े यूनियन के लीडर हैं और हम आपको जानते हैं, आपके ख्याल भी और आपके एक्शन भी कितनी ठीक हैं, कि आपसे ये भी सुन रहे हैं कि आपसे हमारा देश और दुनिया भी बहुत चाहता है, बहुत चाहता है। धन्यवाद सर, थैंक यू। सुरेंद्र जी, कुछ क्वेश्चंस होंगे लोगों से, इसलिए अभी इसमें मूड गैलरी मूड सुरेंद्र जी नहीं देख रहा हूँ मैं, एक मिनट। तो अभी मुझे अभी जस्ट 7 बजने के लिए 3 मिनट बाकी है, हमारे लिए 20 मिनट का क्वेश्चंस का टाइम लगेगा, सो 20 मिनट्स का हमारे लिए टाइम है। इसलिए जो लोगों को मन में अभी कुछ शंका है और कुछ स्पष्टता चाहिए, बहुत सारा फंडामेंटल विषय श्रीमान अरुण मैरा जी हमारे साथ में रखा है, इसीलिए फंडामेंटली कैसे बदलना पड़ेगा, हमारा सोच क्या बदलना पड़ेगा, बिजनेस आइडियोलॉजीज क्या है, सरकार का क्या है, तो इस विषय में अभी आपके साथ प्रश्नोत्तर शुरू करेंगे। फर्स्ट कौन पूछेंगे, आप तुरंत उसको अनम्यूट करके शुरुआत करिए। अनम्यूट करके आपका प्रश्न शुरू करिए जी। नमस्कार, नमस्कार सर, योगेश बात कर रहा हूं। आप प्लीज से शुरू करिए, इधर स्पीकर में योगेश जी शुरू करिए। सर, मैं ये जानना चाह रहा था सर, जिस प्रकार से अब देश 73वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है 2 दिन के बाद, तो एक इस चीज का प्रचार किया जा रहा है कि जब से देश आजाद हुआ और देश की आजादी से लेकर आज तक जो जीडीपी की जो ग्रोथ है वो सबसे निम्न स्तर पर है, तो क्या ये कोई इफेक्टिव रहेगा या सिर्फ ये एक तरह से प्रचार किया जा रहा है, तो इसका मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा था सर। शुक्रिया जी। ये हमारी इकोनॉमी 3-4 साल से या 10 साल से भी हम कह सकते हैं इतनी अच्छी क्यों नहीं चल रही है जितना हम चाहते हैं चले, और शायद पहले चल भी रही थी। तो हमने ये जब प्लानिंग कमीशन में था, हम यही देख रहे थे कि अगर हम जो लोग के जो देश के जो लोग हैं, अगर वो उनका एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रहा है, अगर उनकी इनकम नहीं बढ़ रही है, तो देश की जीडीपी नहीं बढ़ सकती है। क्योंकि अगर एक बात तो ये है, अगर उनके हाथ उनके पास पैसे नहीं है खर्च करने के लिए, तो मार्केट कैसे बढ़ेगी, और उनके हाथ में उनके पास पैसा कैसे आएगा जब उनके पास कोई काम होगा या कि उनकी छोटी छोटी एंटरप्राइज कुछ प्रॉफिट बन रहा है उनको। हम ये देख नहीं रहे थे कि हमारे जो इतने लोग हैं हमारे देश में, वो उनकी इनकम कैसे बढ़े, हमारा ख्याल उनके ऊपर नहीं था। और यही असर हो गया, जैसे हमने बस का कहा कि बिजनेस देखने लगी कि उनका डिमांड नहीं बढ़ रहा है। डिमांड क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि लोग के पास काम नहीं है, पैसा नहीं है,
और क्योंकि हमारी बिजनेस नहीं बढ़ रही है तो हम लोगों को निकाल रहे हैं, अगर लोगों को निकाल रहे हैं फिर मार्केट कम हो रही है तो हम इस हाल में पहुंच गए। तो ऐसे फंडामेंटल ख्याल हमको बदलने पड़ रहे थे कि अगर जब तक हम अपने फंडामेंटल ख्याल नहीं बदलेंगे तो हमारी देश की इकोनॉमी 10-20 साल इकट्ठी बढ़ती नहीं सकेगी, जैसे बिजनेस के प्रॉफिट्स भी 10-20 साल इकट्ठे नहीं बढ़ सकेंगे। हम एक्सेलेरेटर थोड़ा दबा सकते हैं जैसे हम पहले दबा रहे थे, उसके साथ जैसे हम कह रहे थे जिनके पास पैसा था वो इन्वेस्ट करके थोड़ी थोड़ी चीज़ें खासकर अमीर लोगों को बेच के अपनी बिजनेस बढ़ा सकते थे, परंतु पूरी बिजनेस नहीं बढ़ सकती थी क्योंकि ज़्यादा लोग देश में उनके पास ये डिस्क्रिशनरी इनकम नहीं थी। तो ये फंडामेंटली इकोनॉमी का डिजाइन चेंज करना है। ये तो चालू है और जब आप चालू कर देते हैं जी। हाँ जी सुरेंद्र जी जोड़े सुरेंद्र जी। हाँ 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 सर, मेरा एक प्रश्न है, मैं पवन कुमार हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि एक तरफ सरकार कहती है बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों की संख्या कम हो रही है, इट इज ऑलमोस्ट 20 करोड़ और लेस देन, किंतु दूसरी ओर फ्री राशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है तो 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये आंकड़ों का खेल है या मिसमैनेजमेंट है, क्या है ये? आंकड़े गलत बताए जा रहे हैं बिलो पॉवर्टी लाइन के, या कोई और खेल खेला जा रहा है इसके पीछे? ये आंकड़ों की बात बिल्कुल ठीक पवन कुमार जी ने कहा। जब हम प्लानिंग कमीशन में आए, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ जी, हाँ, पर प्लानिंग कमीशन में हमको देश की इकोनॉमी को प्लान करना चाहिए। तो मेरा पोता जो अमेरिका में रहता है वो वहीं जमा था, 5 साल का था, यहीं आया देश में। तो मैंने कहा उसको हम दिखाते हैं उसका देश, अपना देश यहाँ दिखाएंगे। तो मैं उनको लेके गया, ये 5 साल का लड़का था अपने यहाँ दिल्ली में। तो उसने देखा गाड़ी के बाहर सड़क के ऊपर गरीब लोग थे, वो सड़क के ऊपर सो रहे थे, सड़क के ऊपर खाना पका रहे थे, खा रहे थे वगैरह। तो वो बहुत घबरा गया, तो उसने कहा ये क्या हो रहा है? तो हमने कहा ये हमारा देश गरीब है, हमारे देश में जैसे उसके देश जो अमेरिका में इतनी गरीबी नहीं है, ये गरीब लोग हैं। तो बहुत बहुत उसको दुख लगा। 2 साल के बाद वो आया वापस, तो मैं प्लानिंग कमीशन में था तो वो थोड़ा बड़ा था, तो वो चला गाड़ी में फिर बहुत वो गुस्सा हो गया। उसने कहा ये क्या गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, फूल गिन रही है फूल? मैंने कहा फूल क्या गिन रही है? तो उसने कहा बार, ये इंग्लिश में एक ऐसे कहावत होती है काउंटिंग द डेजीज, मतलब फूल गिनो काउंट द थिंग्स, गिनो 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 सिर्फ। तो उसने कहा ये क्या गवर्नमेंट काउंटिंग द डेजीज? तो ये उसी टाइम था पवन कुमार जी जब ये पॉवर्टी लाइन की तेंदुलकर कमेटी की सब ये हमारी सब बहस हो रही थी कि हम कह रहे थे, हम ही इकोनॉमिस्ट कह रहे थे कि हमारी देश में पॉवर्टी कम हो रही है, देखो हमने गिने हैं, हाँ इतने लोग कम हो गए हैं। तो ये हमारा पोता कह रहा है 2 साल में उसने देखा पॉवर्टी बढ़ रही है, ये तो देखने की बात है, ये गिनने की बात नहीं है, गिनने की बात नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं हमको लोगों के पास होना चाहिए, उनका हाल क्या है, हम उनको सिर्फ अंक बना देते हैं और गिनते जाते हैं, कहते हैं बड़ी सब ठीक हो रही है। बिंदेश्वरी जी कुछ पूछना है? बिंदेश्वरी प्रसाद झारखंड पूछना नहीं तो अब अशोक शुक्ला जी बाद में नीलिमा चिमोटे। सर अभी वर्तमान में एक सरकार ने एक नीति अपनाई है जो पीछे से भी चल रही है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर है इसको सबको प्राइवेट सेक्टर में शिफ्ट करने का। तो अभी जो हम मजदूर क्षेत्र में काम करते हैं हम लोग देख रहे हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर चल रहे हैं दे आर नॉट आल्सो वर्किंग प्रॉपरली, और उसका परिणाम अभी हम लोगों ने इस कोविड में देखा है। तो ऐसी स्थिति में जो जहां नीति निर्धारित होती है, चाहे पहले प्लानिंग कमीशन रहा चाहे अभी नीति आयोग है,
तो आखिर वो लोग क्या सोचते हैं, आखिर इस सब बारे में वहां पर क्या डिस्कशन होता है, क्या सोच होती है, क्या सब प्राइवेट सेक्टर में करना ही इसका एक उपाय है या और भी कुछ हो सकता है इसका रास्ता? नहीं जी, ये प्राइवेट और पब्लिक की बात नहीं है, जैसे हम पहले भी कह रहे थे कि एक तो होती है मैनेजमेंट और दूसरी होते हैं जो काम करते हैं। कंपनी या गवर्नमेंट की ओनरशिप में हो या सेठ की ओनरशिप में हो, जो मैनेजर्स कंपनीज को चला रहे हैं, जो उनकी पॉलिसीज हैं, रूल्स हैं, वो क्या हैं। और ये आप भी कह सकते हैं, आप भी देखते होते हैं कि गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर कंपनीज में भी अच्छे हैं और खराब हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छे हैं और खराब हैं। तो ये आप छोड़ दीजिए कि अगर गवर्नमेंट चलाएगी तो कंपनी अच्छी चलेगी और लोगों का फायदा होगा, ये जरूरी बात नहीं है। प्राइवेट भी अच्छी कंपनी चला सकते हैं, परंतु वो प्राइवेट सेक्टर अच्छी कंपनी चलाते हैं जिसकी प्रॉफिट बढ़ती जाती, जैसा हमने कहा, जो वर्कर्स का ठीक ख्याल करते हैं और वर्कर्स को अपना गुण समझते हैं। और पब्लिक सेक्टर के मैनेजर भी, ये उनका ख्याल शायद सबका नहीं है, उनके ऊपर रूल बना जाता है कि आपको ये करना पड़ेगा। और इसीलिए जब कॉन्ट्रैक्ट लेबर की बात आती है, अगर गवर्नमेंट का रूल बन गया है कि आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर लगा सकते हैं गवर्नमेंट अपने आप, तो पब्लिक सेक्टर कंपनीज में भी कितना काम कॉन्ट्रैक्ट पे दिया जाता है। तो आपकी ये कहते हैं आपकी जो आंदोलन है, आपकी जो मूवमेंट है, वो इसी के ऊपर होनी चाहिए कि वर्कर का, और जो वर्कर पब्लिक में हो या प्राइवेट में हो या किसी कंपनी में भी ना हो, वर्कर का ख्याल कैसे होगा। तो इसलिए हमने कोल इंडिया की वो बात करी थी, लोग अभी कह रहे हैं कि यूनियन नीलिमा चिमोटे, बाद में जगदीश्वर राव। नमस्ते सर जी, अभी नीति आयोग के या जो पहले आपका प्लानिंग कमीशन था, नियोजन आयोग जो था, तो इसके जो एक्सपर्टाइज बैठे हुए हैं, वो ज्यादा करके निजीकरण के लिए ज्यादा उनका झुकाव होता है। तो अभी ये जो निजीकरण का जो सरकार उनके सलाह से या मशवरे से कुछ डिसीजन ले रही है, तो क्या आपको लगता है कि निजीकरण से करने से हमारे भारत की अर्थव्यवस्था की उन्नति होगी? धन्यवाद जी। जी, किसी पॉलिसी मेकर को जो भी सिस्टम में है, चाहे वर्कर हो या कंपनी हो, सबका ख्याल करना पड़ेगा, क्योंकि वर्कर्स को भी कंपनीज चाहिए और कंपनीज को वर्कर्स चाहिए। तो ये तो डिफिकल्टी हो जाती है गवर्नमेंट में कि पूरे सिस्टम को चलाना है। ये नहीं हो सकता है कि कंपनी सब बंद हो जाए, खराब हो जाए, और फिर वर्कर्स कहाँ जाएंगे। गवर्नमेंट की कंपनीज भी हो, अगर गवर्नमेंट के पास पैसा ना हो टैक्स से, तो आपके जो पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉयज हैं उनका सैलरी कहाँ से मिलेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकर जैसे हम भी थे, हमको देखना चाहिए पड़ा था कि कंपनी की लाइफ भी बचे, एम्प्लॉयज की लाइफ भी बचे और कंपनीज की लाइफ भी बचे। परंतु ये आइडियोलॉजी की बात आ जाती है कि कंपनी बड़ी बड़ी होती हैं, उनके पास बहुत पैसा होता है। अगर कंपनी भी, जो हम अपने शासन में कहते हैं, कंपनी भी एक सिटीजन होती है, कंपनी की प्रॉपर्टी राइट होती है, कंपनी भी जमीन खरीद सकती है, मशीन खरीद सकती है, इंसान भी जमीन खरीद सकता है, शायद छोटी सी मशीन खरीद सकता है, कंपनी भी फ्रीडम ऑफ स्पीच हम कंपनी को भी देते हैं क्योंकि वो सिटीजन है। हम इंसान को भी फ्रीडम ऑफ स्पीच देते हैं, इंसान सिटीजन है। हम कंपनी को कहते हैं आप किसी और को सू कर सकते हैं, आप जस्टिस में ले जा सकते हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि देख रहे हैं कि आपका कुछ नुकसान हो रहा है कंपनी का, और इंसान भी ये कर सकता है। परंतु अब ये देखिए, कंपनी इतना बड़ा सिटीजन है और इंसान इतना छोटा सिटीजन है। और जब कम टू पॉलिसी मेकिंग में भी, कंपनी बड़ी बड़ी होती हैं और पॉलिसी मेकर को कंपनीज की इन्वेस्टमेंट तो चाहिए है ना, तो उनकी आवाज़ सुनते हैं। तो इसीलिए जो ये पॉलिसी मेकिंग का डिस्कशन होता है, उनकी आवाज़ बड़ी है और आप लोगों की आवाज़ छोटी है। आप लोगों की आवाज़ बड़ी तब होगी अगर आप सब जुड़ेंगे, आप जुड़ेंगे,
क्योंकि हम जैसे कह रहे हैं 90% लोग इस देश में उस फॉर्मल इकोनॉमी के बाहर हैं। अगर आप जुड़े ना ही तो आप बहुत छोटे हैं, आपकी आवाज बहुत छोटी है। और अगर आप अपने अंदर झगड़ रहे हैं, डिफरेंट यूनियंस हैं या ये तो पब्लिक सेक्टर की बात है, ये बात ही इनफॉर्मल एम्प्लॉय को छोड़ दो, तो उनकी वॉइस बड़ी सीधी है और बड़ी भी है। आपकी बड़ी कंफ्यूज वॉइस है और आपकी वॉइस इकट्ठी होनी चाहिए कि हम छोटी इंसान की बात कर रहे हैं और सब इकट्ठे करेंगे, फिर पॉलिसी मेकर आपको बात सुन सकते हैं, वो सुनना चाहते हैं, पर आप अपनी अपनी मदद नहीं कर रहे हैं। आप जो इंसान की आप बात कह रहे हैं आप करते हैं, आप उनकी मदद नहीं कर रहे हैं। जब जैसे आपने कहा क्या आपने कहा थी दत्तपांत संगठी जी ने, ब्रजेश जी आपने इंट्रोडक्शन में ही कहा कि पॉलिटिक्स क्या वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स नॉट पॉलिटिक्स ऑफ द वर्कर्स, बड़ी अच्छी बात। प्लीज आपका ख्याल होना चाहिए वेलफेयर ऑफ एवरी सिटीजन, और अगर सब सिटीजन इस देश का कमा ना सके, मतलब फैमिली में एक जना या दो जना जितने की जरूरत हो कमा ना सके, ये देश की इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी, ना कंपनियों का फायदा होगा, डेफिनेटली नॉट लोगों का फायदा नहीं होने वाला है। नमस्कार जी, जगदीश्वर राव विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से। आपने आजकल जो चर्चा होती है जीडीपी में वृद्धि हो रही है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, लेकिन ये दोनों जो फैक्टर हैं वो इंटरलिंक नहीं हो रहे। जीडीपी जो बढ़ रही है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, इसमें बहुत ही फर्क आ रही है। कारण एक है कि एक जो देश में नौजवान जो है पढ़े लिखे करोड़ों लोग सालों साल बाहर आते हैं और उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन देनी होती है, दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर या कॉन्ट्रेक्चुअल सेक्टर जिसको हम बढ़ावा देना चाहते हैं, जिनकी आमदनी बहुत कम है उनको बढ़ावा देना चाहते हैं, वहां पर जॉब सिक्योरिटी नहीं है और उनको 5-10 साल के बाद में छट्टी हो जाती है। तो नीति आयोग या प्लानिंग कमीशन में इसका कोई मतलब सामने करने का कोई विचार होता है? दूसरा जो है, नौजवान लोगों को सभी एम्प्लॉय लेना चाहते हैं, लेकिन उसकी आयु अगर 40-45 होने के बाद अगर उसकी छटनी हो जाती है तो उसको कहीं एम्प्लॉयमेंट मिलने का अवकाश नहीं मिलता है, तो वो बेरोजगार भी हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों की संख्या भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है आज के दिन में, तो ये जो है तालमेल ठीक से बैठ नहीं रही है और एम्प्लॉयमेंट जैसे जो आंकड़े है वो तालमेल बैठती नहीं, तो इस तरह की जो छटनी होते हैं उसके बारे में कोई सोच होती है? हाँ जी, और ये जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के साथ जीडीपी का लिंक, इस तरह का भी कोई सोच होता है? थोड़ी सी जानकारी चाहिए। जी बिल्कुल, पहले ये बात जैसे कहते हैं कि 5-6 साल लोग का फायदा लेते हैं फिर उनको छोड़ देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर में तो कहेंगे तो साल में 3 महीना काम किया, 2 महीना काम नहीं किया। जो लेबर लोग हैं जो सिर्फ अपने मजदूरी से काम करते हैं वो तो रोज सुबह बैठते हैं, आज मुझको काम मिल जाए कल नहीं मिलता है, ये मार्केट की बात है, लेबर इज लेबर मार्केट, ये हमको ख्याल बदलना है। लेबर कैन नॉट बी पुट इनटू अवर मार्केट, लेबर इज नॉट अ कमोडिटी। चलो आगे बढ़िए, ये फ्री मार्केट का आइडिया इकोनॉमिक्स में जब हम कह रहे हैं 1990 से आगे वॉशिंगटन कंसेंसस जो कहते हैं, उन्होंने यह कहा कि सब देशों को अपनी मार्केट सब और देशों को खोलनी चाहिए, ठीक है, इंडिया में भी बाहर से जो लोग आ रहे हैं बेचने के लिए अंदर आने दो, अगर आपके पास कुछ नहीं है बेचने के लिए तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपके जो सिटीजन हैं उनको बाहर से जो चीज़ें आ रही हैं उनको चाहिए, उनको अच्छी कार चाहिए, अच्छे जो भी चीज़ें रेडियो सेलफोन सब बाहर से आ रहे हैं, तो लोग तो सिटीजन बड़े खुश हो जाएंगे, कंज्यूमर बड़े खुश हो जाएंगे। पर ये भूल रहे थे कि अगर सिटीजन के पास पैसा ना हो, काम से पैसा ना हो, तो कंज्यूमर कैसे बनेगा? तो ये काफ़ी टाइम लगा, तो अब ये यहाँ माल आ गया, माई गुडनेस, इकोनॉमी चल रही थी पर लोगों की इनकम नहीं बढ़ रही थी, इनकम इसलिए नहीं बढ़ रही थी उनके पास काम नहीं था, सस्टेनेबल इनकम नहीं थी। तो वॉशिंगटन कंसेंसस में एक और बात थी कि कोई देश अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं बनाएगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल पॉलिसी का मतलब होगा हम अपनी इंडस्ट्रीज को बढ़ाएंगे, मतलब
हम दूसरी इंडस्ट्रीज को, बाहर की इंडस्ट्रीज को वेलकम नहीं करेंगे क्योंकि हम अपना देख रहे हैं। तो ये कह रहे थे, ये प्रोटेक्शनिज्म उसको कह रहे थे, प्रोटेक्शनिज्म बात नहीं है, इसे स्वराज्य आत्मनिर्भर। ये हम लोग कह रहे थे, हम कह रहे प्लानिंग कमीशन के हमको इंडस्ट्रियल पॉलिसी चाहिए, परंतु हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी सिर्फ यही होनी चाहिए कि इंडस्ट्री बढ़ाएं, क्योंकि इंडस्ट्री हम इन्वेस्टमेंट से भी बढ़ा सकते हैं। हम बहुत रिलायंस की जैसे रिफाइनरी लगा सकते हैं, बहुत कैपिटल लगता है, परंतु कितने लोग उसमें एम्प्लॉय होते हैं? बहुत कम। हमको ऐसी इंडस्ट्री बढ़ानी है जिनमें ज़्यादा लोग को काम मिले और कम कैपिटल लगे। ये हमारा इंडस्ट्रियल प्लान भी एम्प्लॉयमेंट प्लान से बनना चाहिए। धर्मदास शुक्ला जी, बाद में मुकेश सिंह, बाद में मुकेश सिंह जो चार्ट में क्वेश्चन भेजा था, मुकेश सिंह। मैं धर्मदास मध्य प्रदेश से बोलता हूं। अभी आपने अपने स्पीच में बताया है कि इंसान जो है अपने आप को बढ़ाना चाहिए, उसके अंदर क्वालिटी और इज्जत बढ़नी चाहिए, और जो बिजनेसमैन है वो भी। लेकिन अभी ध्यान में आता है जो COVID-19 आया उसके बाद से 50% वर्कर को एक तरीके से रिटायरमेंट भी किया और उनको काम नहीं दिया। अपने मध्य प्रदेश में ही लगभग बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों ने ऐसा, और छिंदवाड़ा का, मध्य देवास का, ऐसे जेपी सीमेंट, ऐसे कई बड़ी कंपनियों ने किया है। तो अब इसमें इंसान और लेबर की इज्जत कहाँ रही? उसके सामने तो एक हैंड टू माउथ आ गया, भुखमरी की स्थिति आ गई, तो उसमें उसका तो दोष नहीं है। ऐसे में क्या करना चाहिए? हाँ जी, ये हमारे देश में यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी की बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर लोग काम में भी हों और उनको कुछ दुख हो जाए और या रिटायर हो जाएं, तो उसके बाद उनको पैसा तो चाहिए होता है, तो वे विल दे गेट द मनी फ्रॉम। और अगर कंपनी किसी हाल से भी, बड़ी अच्छी कंपनी भी हो, अगर टेक्नोलॉजी बदल गई, तो वो कंपनी को बंद होना पड़ा, तो जो वहाँ लोग काम कर रहे हैं उनको अपने जीने के लिए इनकम कहाँ से मिलेगी? और अगर कोई काम भी लोग कर रहे हैं और उसका कोई मेडिकल एक्सीडेंट हो गया है तो बहुत एक्सपेंसेस हो जाती हैं। और जो लोग हम कह रहे हैं कंपनी में भी काम नहीं कर रहे हैं, अपना धंधा चला रहे हैं, अपना फल सब्जी बेच रहे हैं, उनका कुछ हो गया उनकी ज़िंदगी में, तो उनको अपना फैमिली को, परिवार को सपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी की ज़रूरत। तो ब्रजेश भाई और बहुत हिम्मत से काम कर रहे थे। थैंक यू सर। मैं जो मुकेश सिंह का ऑडियो प्रॉब्लम है उनका क्वेश्चन मैं पढ़ लेता हूँ। मैं अरुण जी, व्हाई शुड एम्प्लॉयज बी नॉट कंसर्न्ड अबाउट देयर एम्प्लॉयर्स? आफ्टर ऑल इट इज रिलेटेड टू सस्टेनेबिलिटी ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स। दिस इज द क्वेश्चन, व्हाई शुड एम्प्लॉयज बी नॉट कंसर्न्ड अबाउट देयर एम्प्लॉयर? आफ्टर ऑल इट इज रिलेटेड टू सस्टेनेबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज। दिस इज द क्वेश्चन। जी, फ्रॉम द आवर डिफेंस, ही इज द प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी ऑफ आवर डिफेंस फेडरेशन एंड वर्क्स इन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ऑफ कानपुर। थैंक यू, थैंक यू जी। एन एम्प्लॉई मस्ट केयर फॉर द एम्प्लॉयर, बिकॉज इफ द एम्प्लॉयर गोज आउट ऑफ बिजनेस द एम्प्लॉई विल नॉट हैव वर्क, अनलेस द एम्प्लॉई थिंक्स दैट समबडी एल्स, द स्टेट इज गोइंग टू कीप द एम्प्लॉई एम्प्लॉयड without there being any income with the employer. So ye to economics ki baat hai, parantu the more important thing ye hai, rishta hai. Agar aap mera khyal nahi kar rahe hain, main dekh raha hu aapki sab action se ki hamara aap mera nahi soch rahe hain, to main aapka kaise sochu, main aapka kaise sochu? Aur khaas kar jab aapke paas zyada hai mere se, to aap ye chahte hain mujhse ki jab mere paas इतना कम है और आपकी दुख हो रही है तो मैं आपको कुछ दे दूं, ये कैसे हो सकता है? आप बड़े हैं, जब मुझको दुख हो रहा है, हमारा रिश्ता है, हम एक दूसरे को देखते हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि जब दिक्कत आती है आप मेरा पहले देखें। जैसे अभी बात हुई थी कि कोविड के टाइम में जो एम्प्लॉयर्स ने, काफ़ी एम्प्लॉयर्स हैं जी, जैसे टाटा कंपनी के कह रहे हैं कि उनने अपना रूल बनाया कि आप अपने वर्कर्स को नहीं छोड़ेंगे, पहले मैनेजर्स की सैलरी कम करेंगे, तब तक देखेंगे
कि वर्कर्स की सैलरी को क्या करना है, नहीं करेंगे। परंतु ये भी बात है, टाटा कंपनीज में भी कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज हैं और उनका ख्याल कौन कर रहा है? उनका ख्याल हम यही कह रहे हैं, एम्प्लॉयर करें तो अच्छा होगा, नहीं तो सोसाइटी को करना पड़ेगा। पर रिश्ते की बात हम कह रहे हैं, वी हैव टू शो, एम्प्लॉयर्स मस्ट शो दैट दे रियली केयर। एंड इन हार्ड टाइम्स, डिफिकल्ट टाइम्स में सब नजर आता है आपका दिल कहाँ है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन कौन पूछेंगे? घनश्याम पांडे जी आप उठा रहे हैं क्या? हाँ प्लीज, घनश्याम पांडे टेक्सटाइल फेडरेशन का जनरल सेक्रेटरी है, कलकत्ता के पास रहता है। मैं बोल रहा था, मेरा प्रश्न है रुपए की कीमत जो गिर रही है उसके विषय में। हम लोगों ने सुना है कि 1947 में एक रुपए की कीमत एक रुपए के बराबर थी लगभग, लेकिन इन 70-72 सालों में कौन सी पॉलिसी और कहाँ कमी रह गई कि हमारा रुपया इतना नीचे गिर गया? और आने वाले भविष्य में ऐसी कोई योजना या ऐसा कोई समय आएगा क्या कि अब रुपया जो है वो मजबूत होने का कोई चांस है? जी, जब जापान बढ़ी, उसकी इकोनॉमी बढ़ी और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो जापान की येन का मूल्य बहुत कम था, इट वॉज नॉट गुड। उसका असर क्या था कि जापानीज जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहे थे बहुत जगह पहुंच सकते थे क्योंकि उनकी कीमत कम थी। तो जापानीज इंडस्ट्री बहुत बढ़ गई और जापान में एम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया। Why? Because the Japanese yen, the value was low. Hanji. So kya kiya? Bahar ke deshon ne unhe Plaza Accord Reagan ke time mein 1970 something mein unhone Japan ko bola ki aap apne yen ka dam bada do. Matlab pehle 300 yen mein ek dollar milta tha, ab 120 yen mein ek dollar milega. Matlab जापान के प्रोडक्ट की कीमत डबल हो जाए अमेरिका में, हाँ, क्योंकि वो चाहते थे कि अमेरिका में एम्प्लॉयमेंट हो जापान में नहीं। और जापानीज लोगों ने किया, पर उन्हें सब कंपनीज में एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयज में उनका रिश्ता अलग था। मिलके उन्होंने कहा हम दिखाएंगे दुनिया को कि हम फिर भी अपना कॉस्ट इतना कम कर देंगे और क्वालिटी तो उतना ही रखेंगे कि उस डबल दाम में भी लोग हमारी चीज़ें खरीदेंगे। बाहर खरीदी। अब चाइना में भी उनकी करेंसी अमेरिका कह रही है अरे ये तो मैनिपुलेट कर रहे हैं, इनकी करेंसी का दाम बढ़ाना चाहिए। तो प्लीज आप ये सोचिए कि अगर आपकी करेंसी कम है, हमारी देश की करेंसी, किसका फायदा हो रहा है? कम करेंसी, हमारी रुपी कम हो तो हमारे वर्कर्स का फायदा होगा। अगर हमारा रुपी का वैल्यू कम हो, जो इन्वेस्टर हैं जो रुपी को बाहर लेना चाहते हैं, डॉलर कन्वर्ट करना चाहते हैं, वो कहेंगे अरे अरे मेरे पैसे से मेरा नुकसान हो गया। तो हु इज सेइंग दैट द करेंसी वैल्यू शुड बी हाई? इन्वेस्टर्स से सो, स्पेशली मनी इन्वेस्टर्स, नॉट वर्कर्स। सो वी वर्कर्स हैव टू गेट एजुकेटेड, वी डोंट केयर। प्लीज लेट आवर करेंसी बी लो सो दैट वी कैन प्रोड्यूस एंड सेल मोर। ओके, थैंक यू सर। हमारा क्वेश्चन आंसर्स का टाइम हो गया है। मैं अभी अध्यक्ष जी को अध्यक्षीय भाषण का बारे पहले मैं एक सूचना देता हूँ। कल का सब्जेक्ट में थोड़ा बदलाव है, कल कैडर बेस्ड मास ऑर्गेनाइजेशन रहेगा। कल का जो टॉपिक था माननीय दत्ता जी का, वो 15 अगस्त को रहेगा। तो मैं अभी माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करता हूँ कि वो अध्यक्षीय भाषण करें, और इसके अलावा श्रीमान अरुण मैरा जी को, हमारा मुख्य अतिथि को आज धन्यवाद दीजिए। दोनों काम अध्यक्ष जी करने का अनुरोध करता हूं। स्पीकर नमस्कार। अरुण मैरा जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप जैसे एक विख्यात एक्सपर्ट हम जैसे आम मजदूरों का रिप्रेजेंटेटिव के साथ बैठा है, वो समय आपने आपका समय दिया है। बहुत अच्छी तरह आपने जो बात हमारे सम्मुख रखा है वो सारा एकदम स्वर्गीय दत्तोपन धेंगड़ी जी ने जो बताया था उसी आइडिया से एकदम नजदीक है। इसलिए आप जब विषय रखा था हमको लगा कि हमारे अंदर की
एक कार्यकर्ता वरिष्ठ कार्यकर्ता ने हमारे साथ ये सब रखा है, ऐसा लगाया है। आपने सही कहा, वर्कर को एक ह्यूमन बीइंग जैसे, एक मनुष्य जैसे, एक इंसान जैसे माना है बिल्कुल, और वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी का सेंटर वर्कर ही होना चाहिए। ये एक बहुत अच्छा एक एक प्रिंसिपल है, वो बिल्कुल हमारे भारतीय मजदूर संघ के विचार के भी सेंटर में ही होना चाहिए। और अभी ये कोरोना के समय पर हमने बहुत बड़ा समस्या, एक चुनौती हमारे सामने आ गया कि बाहर से इन्वेस्टमेंट आते हैं, चाइना से सब लोग छोड़ के, चाइना को छोड़ के भारत में आएंगे, ऐसा होते तो सभी सरकारी लोगों का दिमाग तो पागल हो गया, उन्होंने सारा लेबर लॉस विड्रॉ करना शुरू कर दिया। अभी ये अभी क्या परिस्थिति, पर्यावरण का कानून भी थोड़ा ये करना शुरू कर दिया, ऐसा इन्वेस्टमेंट के कारण बहुत पागल होता है सब लोग। ऐसा सरकार को जो सलाह करते हैं, कंसल्ट करते हैं, वो एक्सपर्ट भी और इंटेलिजेंसिया जैसे लोग, वो भी ऐसा ये हमको समझ में आता नहीं, जो मनुष्य को वो भूल जाता है और ऐसा होता है। इसलिए ये कानून सारा विड्रॉ करके ऑर्डिनेंस भी आ गया ये सारा, और वर्किंग आवर्स 8 से होकर 12 कर दिया, अभी नया में 16 आवर्स तक बनाया है कानून में, क्या कहां तक हम गया है ये इसके कारण। अभी पूरे विश्व एक इंडस्ट्री 4.0 में गिग इकोनॉमी में चलते हैं, तो गिग इकोनॉमी आएगा, गिग इंडस्ट्री आएगा, गिग यूनिट्स आएगा, गिग वर्कर्स आएगा, तो पूरे देश विश्व का अवस्था क्या होगा, ये सारा बहुत चिंतनीय बातें आपका जो विषय हमने सुनने के सुनते समय ये सारा हमारे मन में आता है कि मनुष्य को जब तक हमारे सोच की सेंटर में नहीं हम रखते हैं तो बिल्कुल समाज की, विश्व की स्थिति भयानक हो जाएगा। आपने एक और विषय हमारे सम्मुख रखा है, इसके बारे में आपका गहराई में विस्तारित रूप से आपका गाइडेंस हमको मिलना है। एक तो ट्रेड यूनियन का नया डायरेक्शन के बारे में आपने बताया, ट्रेड यूनियन अभी परंपरागत रूप से ये तो 1990s के पहले एक रशियन मॉडल ऑफ इकोनॉमिक्स हमारे देश में चलते थे, उसका एक रिजल्ट है। इंडस्ट्री और बिजनेस और वर्कर के कॉन्फ्लिक्ट में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होता है, बिजनेस वर्सेस वर्कर, ये माहौल में हमेशा ट्रेड यूनियन का क्या है, मांग उठाना, उसके लिए स्ट्राइक करना, ये सारा ऐसा एक आदत बन गया है। इसलिए पूरे देश की आर्थिक स्थिति में विकास लाने के लिए श्रम संगठन का भूमिका, ये इसके बारे में आपका गाइडेंस भी हमको चाहिए। आपने अपने सही वो विषय हमारे सामने रखा है, इसलिए ये भी होता है। और हमारे भारतीय मजदूर संघ अभी कई चर्चा में एक विषय भी हमने रखा है, क्योंकि ये श्रम कानूनों में परिवर्तन, लेबर कोड्स आ गया है सारा, उसमें आपने जो कहा है ये यूनिवर्सल एप्लीकेशन ऑफ बेनिफिट्स, ये सारा ये लास्ट वर्कर शुड बी कवर्ड, ये बात हम अभी हमारे सारी चर्चाओं में सेंट्रल बनाया है। इसलिए उसी करके हम अभी पहली बार वेज कोड आया है, वेज कोड में बहुत सारा डिफेक्ट है, फिर भी हमने क्यों को ऐतिहासिक क्रांतिकारी बताया, उसका कारण लास्ट वर्कर इज नाउ कवर्ड बाय द मिनिमम वेज एक्ट, सो ये क्रांतिकारी प्रोविजन थे। ये आखिरी आदमी तक जब तक ये आर्थिक बढ़ोतरी का, डेवलपमेंट का फायदा आता नहीं है, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। इसलिए आपका जो गाइडेंस हमको मिला हमारे लिए बहुत 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 फायदा, और हमारे भविष्य में, हमारे चर्चा में, हमारा विचार में बिल्कुल उनका प्रभाव जरूर रहेंगे, और बाद में भी आपका बिल्कुल हमको सहयोग मिलना है, आपका गाइडेंस बिल्कुल मिलना है, ये कभी कभी आपको तकलीफ देंगे हम इतना ही बोलते हुए मैं आपको फिर दोबारा बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद ब्रजेश जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? थैंक यू।
सभी को अभी इधर से हमारा आज का जो सीरीज है भाषण का ये सत्र संपूर्ण होता है। अब कल केवल 6 बजे को फिर हम मिलेंगे। सभी को धन्यवाद। श्रीमान अरुण मेहरा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बहुत सारे मैसेजेस आया है, हम उसमें भी देख रहे थे आपका विषय के बारे में कुछ फंडामेंटल्स बदलाव आ रहे करके कुछ क्वेश्चंस फेसबुक में भी भेजा है, मगर वो फेसबुक लाइव का क्वेश्चंस मैंने आपको पूछा नहीं है क्यों, यही ऑलरेडी 9 लोगों ने प्रश्न पूछा है, इसलिए प्रश्न बहुत है। मुझे लगता है कभी और एक बार किसी और एक संदर्भ में हम अरुण मेहरा जी से मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय माता की जय। भारत माता की जय। सबको नमस्कार।